तो यहाँ पे हम रोके हैं क्योंकि यहाँ से इतना अच्छा टाइम लैप्स दिखेगा ना, यहाँ पे बहुत अच्छे बादल है और यहाँ पे भाई मस्त चल करते हैं टाइम लैप्स। कल ना मैं अपना बिजनेस शातिर माइंड यूज करके है ना एक सामान खरीद के लाया हूँ, मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ आपको। एंटिटी नोवो पस नोट्स गॉडिस्ट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहा है 12:15 और आज जुमा है, तो आप लोगों को जुमा मुबारक। और मैं बताता हूँ आज सुबह में मेरे साथ हुआ क्या है। तो कल वाला वीडियो मैं रात में जल्दी से अपलोड कर दिया, मैं सोचा जल्दी से एडिट कर देता हूँ, रात में जल्दी सो जाऊँगा, फिर सुबह उठ के जाऊँगा रनिंग के लिए। अपना फिटनेस का भी गोल है तो उसे भी कम्प्लीट करना है, तो मेरे सारे काम कम्प्लीट करके मैं जल्दी से सोने चले गया। यूजुअली 2 से 3 बज जाता है लेकिन कल मैं 1 बजे सोने चले गया। मैं सोचा सुबह 6 बजे उठूँगा जाऊँगा रनिंग के लिए, मस्त एकदम अपना फिटनेस का भी गोल। अब मैं सोने के लिए गया, अलार्म लगाया मैं 6 बजे का, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले तो नींद नहीं आ रही है, फिर नींद आना चालू हुई तो पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आने लगे। रोज तो मच्छर रहते नहीं है, कल ही पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गया, मच्छर काटे। फिर सोते सोते 3:30-4 बजे 6 बजे मेरी आँख खुली थोड़ी थोड़ी, मैं देखा 6 बजे, मैं बोला ठीक है 5 मिनट और सो लेते हैं। फिर 5 मिनट बाद उठा, फिर मैं सोचा 5 मिनट और सो लेते हैं। ऐसे 5 मिनट करते करते मैं उठा हूँ 11 बजे। और एक बात और बताता हूँ, कल जब मैं आपको लाइट बता रहा था ये वाली, उसके बाद मैं इसे यहीं पे छोड़ दिया, इसकी जगह पे रखा भी नहीं, गैर जिम्मेदार ओपी। तो आज फ्राइडे तो मैं जाता हूँ सबसे पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। जुमा मुबारक। कल ना मैं अपना बिजनेस शातिर माइंड यूज़ करके है ना एक सामान खरीद के लाया हूँ, मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ आपको। तो कल शाम में ना मैं एक सामान लेने जा रहा था और ना मुझे कॉर्न बहुत पसंद है, कॉर्न वो वाला कॉर्न नहीं, कॉर्न पॉपकॉर्न, कॉर्न वो एक जो कॉर्न होता है उसे पूरा भूंज के खाते हैं और जो दूसरा होता है उसे बॉईल करके खाते हैं, मतलब उसका तोड़ते हैं छोटा छोटा उसे बॉईल करके खाते हैं, तो वो ना अलग से मिलता है पैकेट में। तो कल रास्ते से जा रहा था, मुझे दिखा तो मैं पूछा अंकल से, अंकल कितने रुपए का है, तो अंकल इतना बड़ा कुछ पाउच था प्लास्टिक में रखे थे, अंकल बोले इतना 20 रुपीज का है, मुझे 2 से 3 चाहिए था। तो मैं अंकल को बोला 3 कितने में आएगा अंकल, तो अंकल बोले 60 रुपीज में आएगा, उससे कम नहीं होएगा। तो मैं बोला अच्छा अंकल एक बात बताओ, ये भुट्टा कितने का, पूरा एक कॉर्न कितने का, तो बोले 50 रुपीज का 4 है। तो मैं सोचा एक कॉर्न में वो तोड़ के एक पैकेट बन सकता है, तो क्यों ना मैं 50 रुपीज का 4 ले लूं और उसको अपने हाथ से ही तोड़ दूं, तो 4 पैकेट का आ जाएगा मेरे पास 50 रुपीज में, फनी। तो अभी का सीन कुछ ये है कि हम जा रहे हैं मानसरोवर, हम का मतलब मैं और वासिफ, वासिफ नीचे आया, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। स्माइली बॉय इज हियर, क्या काम है इसका, मुस्कुराना, वो मुस्कुराएगा अच्छे से। का सीन ये है कि हम लोग मानसरोवर पे आए और यहाँ क्यों आए, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लग रहा था, थोड़े दिन पहले मैं यहाँ ब्लॉग बनाने आया था तो मतलब अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं बोला चलो वापस से आ जाएंगे, बैठेंगे थोड़ा ब्लॉग करेंगे। कल के वीडियो पे ना एक कमेंट आई थी कि भाई मैं तुमको देखा था लेकिन मैं तुमसे मिलने शर्म आ रही थी, मैं शर्मा रहा था तुमसे मिलने। तो भाई मिलने में ऐसी शर्माने वाली बात क्या थोड़ी ना, मतलब क्या सीन है भाई, बिंदास आके मिलने का अपने से एकदम फ्रेंडली जो बात। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि मैं जहाँ भी दिखता हूँ जैसे भी दिखता हूँ तो बिंदास आके मिल लिया करो, मैं मतलब थोड़ी ऐसे कुछ बोलूँगा कि कुछ कर दूँगा, बिंदास आके मिलने का। और अभी पीछे मत थोड़ा सी बादल है, पानी है और एक मस्त सा टाइम लैप्स लेता हूँ मैं क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जैसा कि मैं अभी 7 डे 7 वीडियो चैलेंज लिया, तो देखो क्या लगता है वासिफ की हो पाएगा अच्छे से, नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे दोस्त मिले ना इतना डीमोटिवेट करे ना कि चैनल ही डिलीट कर दो। अभी मैं पूछा था 7 दिन रोज सोडा पियेंगे, बोलता है हाँ, मैं पूछा क्यों, तो बोलता है अपन हेल्थ कॉन्शियस है ना। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं एसटी के पास, जहाँ कल गए थे हम सोडा पीने, आज ऑरेंज जूस नहीं पियेंगे, आज पियेंगे लींबू शरबत, लेमन जूस, इसे वरोला तालाब बोलते हैं। और पूरा एरिया है ना ये तालाब के पूरा सराउंडेड है, पूरा सर्कल बना है, मेरी कॉलेज वो साइड है, यहाँ पे लग रहा है मुझे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सब अच्छा है। तो यहाँ पे हम रोके हैं क्योंकि यहाँ से इतना अच्छा टाइम लैप्स दिखेगा ना, यहाँ पे बहुत अच्छे बादल है और यहाँ पे भाई मस्त चल करते हैं टाइम लैप्स। अभी जाते हैं और थोड़ा पिए। सोडे की तो गाड़ी है लेकिन सोडे वाला नहीं दिख रहा है। तो भाई
सोडे वाला कहाँ चला गया? रुके रहते 2 मिनट आएगा अभी। बर्फ लेने का बर्फ खत्म हो गया था। आज तो वो नींबू शरबत बना दो। ऑरेंज जूस पिएगा कि लेमन? लेमन पिएंगे। लेमन लेमन। हम लोग रोज सोडा पी रहे हैं, जेठालाल बन गए हैं। तो अभी का सीन कुछ यूँ है कि अभी बजा रात का 10 और ब्लॉग को समाप्त करने का टाइम आ गया है। आज भी फिटनेस नहीं हो पाई और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी हो पाएगी। अगर मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किया तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाऊँगा ना कि मैं ब्लॉग एडिट भी नहीं कर पाऊँगा। और हमारी पहली प्रायोरिटी है ब्लॉग अपलोड करना 7 दिन, उसके बाद तो फिटनेस तो साथ में ऐसे ही है। लेकिन फिटनेस भी हमें करना है यार, पता नहीं 2 दिन से हो ही नहीं पा रहे टाइम एडजस्ट। मतलब होता है यार, आपको कैसे समझाऊँ मैं अभी। तो कमेंट फीचर करते हैं। ही सेड इतना अच्छा लड़का सो क्यूट साइड है, ये नगमा मुल्ला जी कमेंट किए। मैं समझाता हूँ कि मैं जो है क्यों ये अच्छा लगा है। तो ये कमेंट इसलिए फीचर किया गया है क्योंकि काफ़ी छोटी चीज नोटिस की है इसमें और ये कमेंट किया। मतलब मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में एक वर्ड बोला था, तो उससे रिलेटेड है। अगर आप लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखे वो देखोगे तो समझ जाओगे उसमें क्या बोला। स्टार्टिंग में ही है, मतलब आपकी कोई छोटी सी चीज पे नोटिस करता है ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आज का टिक मार्क लगा लेते हैं हम आज के ब्लॉग का। तो आज का हमारा ब्लॉग हुआ है कंप्लीट और आज का दिन इतना खास नहीं था तो 2 स्टार देंगे और फिटनेस भी रह गया है। पर कल सुबह ना मैं रनिंग के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा, प्रॉमिस कल सुबह जाऊंगा मैं। क्योंकि यार फिटनेस का भी हमारा गोल था, वो भी कंप्लीट करना। लगातार 2 दिन तो हम फेल हो गए फिटनेस में। अब देखते हैं कल मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं फिटनेस वाला चैलेंज। ब्लॉग का तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपना अच्छा चल रहा है और ये ब्लॉग का चलते रहेगा। अभी मैं जाऊँगा एडिट करूँगा फटाफट, रात में 1-2 बजे तक एडिट कम्प्लीट होगा। उसके बाद मैं सोऊंगा जल्दी से जब भी कंप्लीट होगा और सुबह उठ के मैं जाऊंगा रनिंग के लिए। और ये वीडियो ना मैं कहीं और पे एंड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। 7 डे 7 वीडियो का ये 2nd वीडियो था। ऐसे ही रोज मिलेंगे, कमेंट करो। और आज के कमेंट मैं पहले फीचर कर चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, जब तक के आडियोस। बोल फिर से आडियोस। वाले ब्लॉग में कर ले भाई पहले तू। कल मिलेंगे, ठीक है, कल भी आएंगे। हाँ चलेगा, बाय।